आठ साल पहले जुदा हुए पति पत्नी अपने बच्चों की खातिर एक बार फिर से शादीशुदा जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं आपको बता दें कि इन पति पत्नी का आठ साल पहले तलाक हो चुका था जिनके दो बच्चे हैं जो कि माता पिता दोनों के साथ रहना चाहते हैं जिसकी वजह से पति पत्नी ने शादीशुदा जीवन की शुरुआत कर एक बार फिर से एक होने का फैसला लिया है उनकी इस शादी में बच्चे भी शामिल होंगे अपनी पत्नी को ग्वालियर से विदा करा के ले गया अब चूँकि तड़ाक हो चुका था पत्नी अवैध थी तो रह सकते नहीं थे तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप धौलपुर में ही आर्य समाज मंदिर में अपनी विधि विधान से एक शादी कर लो पुनः शादी बोल लो जिससे पत्नी ज्ञाता हो जाएगी तो उन्होंने मेरी बात समझ में आई उनके दो चार समाज के लोग भी आए हुए थे तो अब पति पत्नी दोनों बनेंगे दूल्हा दुल्हन और उनकी बरात में बच्चे नाचेंगे इतना एक मार्मिक मामला आया है बहुत ही अच्छा है ये कि आज बच्चों को पिता के साथ माँ का भी प्यार मिलेगा बच्चे इतने खुश थे कि मैं उनका बयान कर सकता पति पत्नी द्वारा लिए गए इस फैसले से जहाँ बच्चे खुश हैं तो वहीं पति पत्नी के घर वाले भी खुश हैं और पत्नी ने तो शादी के लिए शॉपिंग भी शुरू कर दी है वहीं पति ने भी शादी की पूरी तैयारियां करना फिर से शुरू कर दिया है मैं सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ छोटी छोटी बातें हर घर में होती हैं परिवार में होती हैं अपने परिवार को मत बिछड़ने दो अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आती है आप काउंसलिंग कराइए बात को समझिए कर्तव्य और अधिकार दोनों के हैं दोनों अपने परतमों से परिवार एक परिवार टूटने से बच गया जो आठ साल से बच्चे माँ से अलग थे आज कितना एक मामलिक मामला आया है बच्चे तो कह रहे हैं बच्चे कह रहे थे पापा मम्मी शादी में अब तो अब नाचेंगे इतना अच्छा लग रहा था तो अभी मेरी कल रात को बात ही हुई थी महिला शॉपिंग कर रही थी बड़ा खुशी थी महिला और अपनी नंद और सास के साथ में शॉपिंग कर रही थी कहने लगे मैं अभी शादी में करूँगी और उनकी शादी भी दो तीन दो तीन दिन में होने वाली है तो हो सकता है मैं भी जाऊँ शादी में <laughs> आखिर बच्चों की खातिर एक घर फिर से टूटने से बचा और दोबारा बसने जा रहा है विजय राठौर न्यूज़ एटीन ग्वालियर